नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आज का खास लव टिप। आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। एक विशेष प्रयोग जो सिर्फ जमा दिलों के लिए होते हैं। अब मीनवाइल आप कहीं मेरी जोहर जमी ये ना शुरू कर दीजिएगा। खास तौर पर ये टीनेजर्स के लिए होता है जो कहीं ना कहीं एक सुनहले से एहसास में डूबे हुए, जहाँ न उनकी सांस फूलती है न उनको बुड़ने का डर रहता है। एनीवेज, लव बर्ड्स के लिए समर्पित है आज का खास लव टिप। मुलाकात कर सकते हैं गाज़ियाबाद में लगातार। अभी 11 तारीख तक हम हैं, 12 और 13 ये दो दिन हैं लखनऊ वालों के लिए। 12 और 13 मिलना चाहते हैं तो 9910291850 पर आप तुरंत व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आज के लव टिप में नागपंचमी स्पेशल लव टिप। आज भोलेनाथ से अगर ब्याह नहीं हुआ है तो मना करके ब्याह की तारीख तय कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है। अब बाद में पछताना उछताना पड़े तो वो आप देख लीजिएगा। ये सच है, हर शादीशुदा रोता ही रहता है क्योंकि उसका सप्तम जागृत हो जाता है। इस पर वीडियो डालूंगा कि ब्योहते काहे रोवत हैं, और जे नाय ब्याह किए रहत है वो रोवे खातिर ब्याह करे खातिर रोवत है। चलिए प्रयोग बताते हैं। एक काला धागा लिटिल फिंगर में दाहिने हाथ के 3 बार बांधिए घुमा के, और उन 3 बार अपने पति या पत्नी, प्रेमी या प्रेमिका का नाम लीजिएगा। इसके बाद इसे पकड़िए, 3 बार फूंकिए, धागा खोलिए और ले जाकर शिवलिंग पे रख दीजिए। अब जेकर ब्याह भय हुई वो कहीं दोबारा न सोच ले कि चला हो एक ठो बदल के देख ही जाए। हम दोनों उन खातिन कहा थे, लड़की भी लड़का भी, समानता है, बराबरी है। ऐसी स्थिति में यह प्रयोग काम नहीं करेगा, यह पवित्र बंधन को ही तरजीह देगा। अभी एक दिन पहले ऐसे मुंशी प्रेमचंद का एक कोटेशन मिला था, कहीं दैनिक भास्कर अखबार में छपा था, हमने भेजा भी है एक दो लोगों को। बड़ा स्पष्ट है, जब व्यक्ति प्रेम करता है तो वो सामने अन्याय को भी माफ कर देता है। हम एज इट इज आपको सुनाएं। जिससे प्रेम हो गया उससे द्वेष नहीं हो सकता, चाहे वो हमारे साथ कितना ही अन्याय क्यों न कर ले। तो द्वेष नहीं कौन करेगा, जो प्रेम में होगा, जिसने किया होगा। क्योंकि हमने हमेशा एक डायलॉग बोला है, प्रेम सिर्फ किया जाता है, चाहने की बात यहां नहीं हुई है। तो जिससे प्रेम हो गया हो उससे द्वेष नहीं हो सकता। द्वेष माने ईर्ष्या। अब हम जैसे अपने बेटे से प्रेम करते हैं तो वो एक कार खरीदेगा तो हमें द्वेष थोड़ी होगा। अगर द्वेष हुआ, एंगल चेंज, तो प्रेम नहीं है। अरे तुम तो बहुत कमाते हो, तुम्हें कौन सी चिंता है। अरे हमारे भैया हम कमाते माने का डकैती डाल के लाते हैं, पसीना बहता तब न कमाते हैं। तू कमाए लगे तुम्हें मिना किए व चूल्हा नाय जरत बहुत जनी की। हाँ, काहे बगली में गाड़ी आई है और तो और अब्बे बहन की बिटिया के ब्याह तय हो गए, और तुहार बिटिया 1 साल बड़ी है, ब्याह ना भय तो छाती पे सांप लूट जात। पटीदारी भाई से भाई, सगा भाई एक कोख से पैदा हुए। द्वेष है तो प्रेम नहीं,
फिर आप अगर कहते हैं कि हम प्रेम करते, जिस दिन प्रेम कहना पड़ गया, जिस दिन आपको कहना पड़ गया, उस दिन आप प्रेम हार गए। नोट कर लीजिएगा, ये कोटेशन डालने लायक है। और हमारी आने वाली प्रेम धुन फिल्म में आप ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हमारे सरस्वती की कृपा से, हमारी कलम से आप लोग निकलता हुआ पाएंगे। प्रेम को जी करके मैं वो फिल्म बनाने वाला हूँ, प्रेम धुन, अगला प्रोजेक्ट हमारा। मैं बताऊंगा इस सृष्टि को प्यार क्या है, समझने की आवश्यकता यहां पर है। खैर, प्रेम पर थोड़ा सा स्पीच टाइप का हो गया, बात कर लेते हैं तीन लकी राशियों की। आज की नंबर तीन पर लकी राशि है तुला राशि, दो नंबर पर वृश्चिक राशि, एक नंबर पर मीन राशि। सावधान होने वालों में एक नंबर पर मेष राशि, तालियां, दो नंबर पर कौन सी, कर्क राशि, और तीन नंबर पर मकर राशि। ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार, श्री राधे। Thank you.